पे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में आप लोगों से एनबीसीसी सिविल इंजीनियरिंग का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। इसमें आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है? तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। और अभी मैं इस वीडियो में आप लोगों से केवल इंग्लिश में ही क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें आपको हिंदी में भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? SDR विद रेफरेंस टू IMF स्टैंड्स फॉर। तो SDR जो होता है IMF के रेफरेंस में, SDR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द हेयर ऑफ शेविंग ब्रश क्लाइम्स टूगेदर व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर ड्यू टू। तो ये क्यों होता है? सरफेस टेंशन के कारण होता है। शेविंग ब्रश पे जो है वाटर चढ़ जाता है ऊपर, तो उसको किसके कारण होता है? सरफेस टेंशन के कारण होता है। प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज इज नोन एज। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज जो होता है वो कॉफ स्कॉर होता है, ठीक है? करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1, क्वासीरकर। नेक्स्ट असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 फर्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के जो है सलाह से राष्ट्रपति जो है 352 फर्स्ट लगा सकता है। रीजन क्या है? वेयर ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन द प्रेसिडेंट में सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट 20 and 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या है, बोध ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही है, लेकिन जो है आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द ब्रिक्स बैंक वुड हैव इट्स हेडक्वार्टर। ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये इसका हेडक्वार्टर है चाइना में, ठीक है? द ब्रिटिश जनरल्स डिफीट पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव को हराने वाला कौन सा ब्रिटिश जनरल था? वो था मलकॉम, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स विद इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये चारों हैं, ठीक है? करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4th। ये मैचिंग वाला प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है वो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है? प्राइमरी डेफिसिट जो होता है वो होगा फिस्कल डेफिसिट, इंटरेस्ट पेमेंट पे जाता है। ए का 4, बी का 1, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन लॉसेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एट। तो आयरन जो होता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस करता है किस टेम्परेचर पे? तो क्यूरी टेम्परेचर पे जो होता है 768 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्सीमेट होता है क्यूरी टेम्परेचर। द कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल ऑफ ओनियन बल्ब्स इज ड्यू टू। तो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ ओनियन बल्ब जो होता है वो क्यों होता है? सल्फर कंपाउंड्स के कारण जो है उस तरीके का गंध होता है उसका, ठीक है? द लॉसेस आर मोर इन विच टाइप ऑफ फ्लो। किस टाइप के फ्लो में जो है लॉसेस ज़्यादा होता है? तो ये होता है टर्बुलेंट फ्लो। और ये क्वेश्चंस आपके डिसिप्लिन से हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट के जो है अब क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं, ठीक है? द मोस्ट कॉमन डिवाइस फॉर मेजरिंग डिस्चार्ज थ्रू द चैनल्स इज। तो सबसे ज़्यादा हम जिस डिवाइस को यूज़ करते हैं फ्लो मेजरमेंट के लिए चैनल्स में, वो होता है हमारा वेंचुरी फ्लम्स, ठीक है? एन ओपन टैंक कंटेंस 1 meter डीप वाटर विद 50 centimeter डेप्थ ऑफ वायल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 अबव इट। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 14 kN/m², ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टडी फ्लो ऑफ ए फ्लूड द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ एनी फ्लूड पार्टिकल्स। स्टडी फ्लो में क्या होता है कि टोटल एक्सेलरेशन ऑफ एनी फ्लूड पार्टिकल कैन बी जीरो हो सकता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन।
तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन क्या होता है, एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, द सीक्वेंस ऑफ फोर स्टेजेस ऑफ सर्वे इन ए हाईवे अलाइनमेंट, हाईवे अलाइनमेंट के सर्वे में जो फोर स्टेजेस होते हैं उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो ये है मैप स्टडी, रिकॉग्निशंस, प्रिलिमिनरी सर्वे एंड डिटेल्ड सर्वे। डिटेल्ड सर्वे जो है आपका फोर्थ स्टेज और अंतिम स्टेज यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी बी आर टेस्ट, द वैल्यू ऑफ सी बी आर इज कैलकुलेटेड एट। तो सी बी आर वैल्यू को हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, तो ये बोथ 2.5 mm एंड 5 mm पेनिट्रेशन पे हम इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द सैलो फाउंडेशंस इज डिफाइंड एज द फाउंडेशन विच। तो सैलो फाउंडेशन जो होता है एक तरीके का फाउंडेशन है जिसमें डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट लेस देन इट्स विड्थ। जो डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट होता है वो उसके विड्थ से कम होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ए सॉइल हैज बल्क मॉडुलस ऑफ डेंसिटी 22 kN/m³ एंड वाटर कंटेंट 10%, द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इज। तो ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल क्या हो जाएगा आपका 20 kN/m³। 22 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 से, तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा आपका 20 kN/m³। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज रिपोर्टेड एज। तो ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपका जो हो जाएगा 0। ठीक है, इस कंडीशन में फॉर गुड बॉन्डिंग इन ब्रिक मेजनरी में गुड बाइंडिंग के लिए क्या यूज करेंगे, बैट्स मस्ट बी यूज इन अल्टरनेट कोर्सेस। बैट्स यूज होना चाहिए। ठीक है, वीकेस्ट सेक्शन इन ए फिलेट वेल्ट, फिलेट वेल्ट में जो सबसे वीकेस्ट सेक्शन होता है वो क्या होता है, तो वो होता है थ्रोट ऑफ द फिलेट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, बेंडिंग मोमेंट एम एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई इज गिवन बाय। तो ये कहाँ से आता है, एम बाई आई सिग्मा वाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। तो यहाँ से एम अगर निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा आपके ई बाई आर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडमिक्सचर विच प्रोलॉन्ग्स द सेटिंग एंड हार्डनिंग टाइम इज। तो सेटिंग और हार्डनिंग टाइम को जो है प्रोलॉन्ग करने के लिए जिप्सम का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट। द मेन रीजन फॉर प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ रीइंफोर्सिंग बार्स एट ए सपोर्ट इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज ड्यू टू रेजिस्ट इन द जोन। तो ये जोन में रेजिस्ट करने के लिए हम जो बार का उपयोग करते हैं तो उसका मेन रीजन क्या है, तो ये है बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। द मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स इन ए कॉलम, किसी कॉलम में जो लॉन्गिट्यूडनल बार का हम उपयोग करते हैं उसका मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 12 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ टाइज इन ए कॉलम शुड बी, किसी कॉलम में जो डायमीटर ऑफ टाइज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो मोर देन 5 mm एंड आल्सो मोर देन 1/4 डायमीटर ऑफ द मेन बार। ठीक, करेक्ट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। द लोड फैक्टर्स फॉर लिव एंड डेड लोड, लाइव एंड डेड लोड के लिए लोड फैक्टर जो होता है वो कितना होता है, तो 2.2 and 1.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीट ऑफ हाइड्रेशन, द हीट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय, हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिड्यूस किस तरीके से किया जा सकता है, तो ये रिड्यूस द प्रोपोर्शन ऑफ C2A एंड C3S को। तो C2A और C3S का प्रोपोर्शन को हम कम कर देते हैं तो जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाता है।
द प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट इज कॉल्ड, किसी भी प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट को जो हम कैलकुलेट करते हैं उसको कहते हैं एस्टीमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूजफुल पार्ट ऑफ लाइवेबल एरिया ऑफ ए बिल्डिंग इज नोन एज, द यूजफुल पार्ट ऑफ लिवेबल एरिया ऑफ बिल्डिंग इज नोन एज, तो इसको कहते हैं कारपेट एरिया, मतलब जहाँ भी रहने लायक एरिया है उसको क्या कहेंगे, कारपेट एरिया। वियर में आल्सो बी यूज टू मेजर, तो वियर जो होता है उसको हम किस, उससे हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं, तो डिस्चार्ज इन रिवर और ए चैनल, किसी रिवर में या फिर चैनल में जो है डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए हम वियर का उपयोग करते हैं। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव्ड बाई, किसी कंक्रीट की वर्केबिलिटी को हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये जो है मोर सीमेंट, ठीक, एडिंग मोर सीमेंट जो है वर्केबिलिटी को हम इंक्रीज। द वेट ऑफ वन क्यूबिक मीटर ऑफ आरसीसी इज, ये होता है 2400 kg, वन क्यूबिक मीटर आरसीसी का जो वजन होता है वो होता है 2400 kg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज गिवन बाई, तो ये होता है TOD, उसके बाद होता है COD, उसके बाद होता है BOD, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा B। द ब्रिक्स यूज्ड फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस आर, तो जो फर्नेसेस हमारे होते हैं उनमें जो हम लाइनिंग के लिए ब्रिक यूज करते हैं तो वो जो होते हैं वो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स मतलब हाई टेम्परेचर विदस्टैंड करने वाले ब्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस स्टाफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर, तो क्या होता है क्रॉस स्टाफ जो है इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर, तो सेटिंग आउट राइट एंगल, राइट एंगल को सेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, क्रॉस स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑन द रोड सरफेस जनरली प्रोवाइडेड ऑन द कर्व्स इज नोन एज, तो रोड सरफेस पर जो कर्व हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है, एंगल ऑफ बैंकिंग उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेंसाइल टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन राउंड बार, आफ्टर फ्रैक्चर इट हैज बीन फाउंड दैट द डायमीटर रिमेंस अप्रॉक्सीमेटली सेम एट फ्रैक्चर, द मटेरियल अंडर टेस्ट वाज, तो ये जो मटेरियल है जिस पे टेस्ट किया जा रहा है तो वो कौन सा मटेरियल है, माइल्ड स्टील, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बैलेंस्ड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज बेस्ड ऑन स्ट्रेसेस इन, तो ये किस पे डिपेंड होता है, किस पे बेस्ड होता है, तो स्टील एंड कंक्रीट दोनों पे बेस्ड होता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कैलकुलेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट इन टीयरिंग सीयरिंग एंड क्रशिंग, द एक्चुअल डायमीटर ऑफ होल ड्रिल्ड फॉर रिवेट इज यूज्ड, जो रिवेट का एक्चुअल डायमीटर ऑफ होल ड्रिल्ड जो होता है उसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ लाइम यूज्ड इन लाइम कंक्रीट इज, द टाइप ऑफ लाइम यूज्ड इन लाइम कंक्रीट इज, ये होता है हाइड्रोलिक लाइम, हाइड्रोलिक लाइम का हम उपयोग करते हैं लाइम कंक्रीट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो एन एक्स एडमिक्सचर कैन नॉट इंक्रीज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट विदाउट इंक्रीजिंग वाटर कंटेंट, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि एडमिक्सचर को मिला के जो है इसकी वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। द मिनिमम लोड विच विल काज फेलियर ऑफ द फाउंडेशन इज कॉल्ड, जो मिनिमम लोड होता है जो जिसके कारण जो है फाउंडेशन हमारा फेल हो जाता है उसको क्या कहते हैं, तो अल्टीमेट बियरिंग पावर कहते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द राफ्ट फाउंडेशन आर जनरली यूज व्हेन द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द फुटिंग इज, तो राफ्ट फाउंडेशन होता है वो जनरली क्या उपयोग करता है, व्हेन द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ फुटिंग इज मोर देन 1/2, ठीक है, 1/2 से ज़्यादा एरिया होता है तो उसको राफ्ट फाउंडेशन का उपयोग किया जाता है, ठीक है।
द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फॉर द लोड बियरिंग वॉल ऑफ बिल्डिंग इज रिस्ट्रिक्टेड टू, जो मैक्सिमम डेप्थ होता है वो होता है 900 mm. करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है. ठीक है, तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है. इन इंग्लिश बॉन्ड द हेडर कोर्स शुड स्टार्ट विद ए क्वीन क्लोजर. ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन गलत है. एज पर द परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीजेज, अगर हम परसेंटेज ऑफ स्टील को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीजेज. डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. द थिकनेस ऑफ बेस स्लैब ऑफ रिटेनिंग वॉल जनरली प्रोवाइडेड इज, तो ये जो होता है विड्थ ऑफ द स्टीम एट द बॉटम, विड्थ ऑफ द स्टीम एट द बॉटम इस पर डिपेंड होता है. ठीक है, द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इंटू कंसिडरेशन इफ, द लिमिट ऑफ सर्वे इज, अगर सर्वे की लिमिट 250 से ज़्यादा किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का होता है तो हम क्या करते हैं, कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करते हैं. ए लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन इज कॉल्ड, इसको कहते हैं टाई लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्वाड्रिलेटरल सिस्टम द बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 55 मेजर्ड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ और साउथ विच एवर इज नियरर द लाइन टूवर्ड्स ईस्ट एंड वेस्ट. ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा. ए डिफ्लेक्शन एंगल इन ए ट्रांसवर्स इज इक्वल टू, तो जो डिफ्लेक्शन एंगल होता है डिफरेंस बिटवीन द इंक्लूडेड एंगल एंड 180 डिग्री, इंक्लूडेड एंगल और 180 डिग्री से माइनस करेंगे दोनों का तो जो बताएगा वो क्या बताएगा, डिफ्लेक्शन एंगल बताएगा. ठीक है, ये ग्रोनी विद ए कर्व्ड हेड इज नोन एज, तो ये क्या होता है, हॉकी ग्रोनी. ठीक है, द रेशियो ऑफ क्वान्टिटी ऑफ लिक्विड डिस्चार्ज फ्राम द सेक्शन पाइप फ्राम द पम्प टू द क्वान्टिटी ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू पासिंग पर सेकेंड थ्रू द इम्पेलर इज नोन एज, तो इसको क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एफिशियंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशियंसी कहा जाता है. ठीक है, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ग्रेनाइट जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो यह है एग्नियस रैक का एक एग्जाम्पल है. ठीक है, ग्रेनाइट जो है इग्नियस रॉक्स का एक एग्जांपल है. द कॉमनली यूज्ड लाइम फॉर वर्क्स अंडर वाटर और इन डैम्प सिचुएशन इज, तो इसको क्या कहते हैं, एमिनल्टी हाइड्रोलिक लाइन. ठीक है, द वर्केबिलिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, तो वर्केबिलिटी को हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, इंक्रीजिंग द क्वान्टिटी ऑफ सीमेंट. ठीक है, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में बी कन्वीनियंटली 65 रिप्रेजेंटेड बाई, तो ये लॉजिस्टिक कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड इन वाटर काजेज, कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो क्लोराइड होता है उसके कारण क्या होता है, वाटर में हार्डनेस होती है, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा. बी कॉइल और ई कॉइल आर हार्मलेस ऑर्गेनिज्म बट देयर प्रेजेंस इन वाटर इंडिकेट्स द, किसको इंडिकेट करता है, तो ये प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरियाज को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, द रेशियो ऑफ द यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स टू दैट ऑफ 68 वाटर इज कॉल्ड, तो ये कहेगा कहलाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी रो बाई रो वाटर इज कॉल्ड SG. ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी. वाट Which of the following gives the correct decreasing order of densities of a soil sample? तो ये कहलाता है saturated, wet, dry or submerged. ठीक है, the maximum water content of a saturated soil at which a reduction in its moisture does not cause a decrease in वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड, तो ये कहलाएगा श्रिंकेज लिमिट.
When the water table is close to the ground surface, the bearing capacity of soil is reduced to, ये हो जाएगा इसका आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन फोर्थ थ्री फोर्थ ठीक है. स्लम्प टेस्ट फॉर कंक्रीट इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन, जो स्लम्प टेस्ट होता है वो कंक्रीट के लिए कैरिड आउट किया जाता है तो वर्केबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ 45 डिग्री विद ए चेन लाइन मे बी सेट आउट विद, 45 डिग्री का एंगल जो है विद ए चेन लाइन किस तरीके सेट किया जा सकता है, तो ये फ्रेंच स्क्वायर के द्वारा सेट किया जाता है ठीक है. सैम्पल सिंपल बेंडिंग इक्वेशन, सिंपल बेंडिंग इक्वेशन का क्या हो जाएगा, एम बाई आई ई बाई आर एफ बाई वाई ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए बीम ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ 20 सेंटीमीटर साइड एंड 500 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बी 86.66. द लेंथ ऑफ ए कॉलम हैविंग ए यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 7.5 सेंटीमीटर डायमीटर एंड हुज एंड्स आर हिंज्ड इज 5 मीटर, इफ द वैल्यू ऑफ ई फॉर द मटेरियल इज 2100 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर द परमिसिबल क्रिपलिंग लोड, परमिसिबल क्रिपलिंग लोड जो होता है वो हो जाएगा 12.88 टन ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए 3 hinged पैराबोलिक आर्च कैरियज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन इट्स इंटायर स्पान, एवरी सेक्शन ऑफ द आर्क रेजिस्ट, तो ये क्या रेजिस्ट करता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस को कंप्रेसिव फोर्स को रेजिस्ट करता है ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर BIA 1172-1963 वाटर रिक्वायर्ड पर हेड पर डे फॉर एवरेज डोमेस्टिक परपज, तो ये होता है 120 पर डे ठीक है. एयर वॉल्व आर जनरली प्रोवाइडेड इन प्रेशर पाइप ऑफ वाटर सप्लाई, तो ये कहाँ पे प्रोवाइड होता है, तो एट समिट्स ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम प्रेशर विच ए सॉइल कैन कैरी विदाउट सीयर फेलियर इज कॉल्ड, ये कह रहा था सेफ बियरिंग कैपेसिटी, क्या कहते हैं इसको, सेफ बियरिंग कैपेसिटी ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS हैज स्पेसिफाइड द फुल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट आफ्टर, तो ये जो होता है 28 डेज के बाद जो है फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हो जाता है ठीक है. द सेल्फ कॉम्पैक्शन कंक्रीट हैज, सेल्फ कॉम्पैक्शन कंक्रीट हैज स्लंप वैल्यू, तो कितना स्लंप वैल्यू होती है, तो 0 mm होती है ठीक है. द ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 मीन्स दैट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए 15 cm³ आफ्टर 28 डेज क्यूरिंग इज, तो क्या हो जाएगा आपका 20 N/mm² करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है. द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट डिक्रीजेज बाई एडिंग, तो अगर सीमेंट की जो है सेटिंग टाइम को हमें डिक्रीज करना हो तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, तो जिप्सम को ऐड करना पड़ेगा ठीक है. मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो ये हो जाएगा आपका 3 ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेड ऑफ कंक्रीट नॉट रिकमेंडेड बाई IS 456-2000 ठीक है, तो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 4 M90. द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ट्रांसपोर्टिंग प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट यूजिंग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट टेक मोर देन, कितने से ज़्यादा नहीं जो है रिक्वायर्ड होता है, तो ये होता है 30 मिनट्स ठीक है. इन ए कैंटिलीवर बीम ऑलवेज द टेंशन रीइंफोर्समेंट बार्स आर प्लेस्ड एट, कैंटिलीवर बीम में जो है टेंशन रीइंफोर्समेंट बार कहाँ पे प्लेस्ड होता है, तो ये होता है टॉप पे ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, एज पर BIS 456/2000 द मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार ऑफ RCC कॉलम इज रिस्ट्रिक्टेड टू, तो कितने पे रिस्ट्रिक्टेड होता है ये 12 mm पे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। द इंडियन स्टैंडर्ड कोड विच डील्स विद स्टील स्ट्रक्चर इज, तो ये होता है भारत ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द फेनोमेना फॉर द इंटरनल ट्रांसफर ऑफ फोर्सेस फ्रॉम वन लेग टू अदर इज, उसको कहते हैं सीयर लेग। ए शॉर्ट एंगल यूज टू कनेक्ट द गेस्ट एंड द आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ मेन चैम्बर इज, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर लग एंगल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 94, द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो आपको इन स्टेटमेंट को कंसीडर करना है और आपको बताना है कि कौन सा इसमें से आपका करेक्ट है, तो आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट, तो ये जो है फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट है उसका करेक्ट है। When one end of a fixed beam deflects by delta, then the bending moment at deflected end is, correct answer कितना हो जाएगा 6EI/L². Next question, if allowable shear stress involved is 90 N/mm², the strength of the standard 5 mm size fillet weld per meter length वुड बी, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 318 किलोमीटर, ठीक है। इस शॉर्ट कॉलम 300/300 इज रिइंफोर्स्ड विथ 4 bar एट 20 mm डायमीटर, इफ द कंक्रीट इज M20 ग्रेड द मैक्सिमम एक्सियल स्ट्रेस PU N अलाउड ऑन इट, तो ये हो जाएगा आपका 1069, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन, इफ द होल सर्कल बियरिंग ऑफ एनी लाइन एज ऑब्जर्व्ड बाय ए प्रिज्मेटिक कंपास इज 120 degrees रिड्यूस्ड रीडिंग ऑन ए सर्वेयर इज कंपास इज, क्या कहेगा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका S60°E, तो आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड किया जाए, आपके 100 questions इसमें पूरे कंप्लीट हो गए जो NBCC के प्रीवियस ईयर questions पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऐसे वीडियो को पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर।